नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारत बंद के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। मंडे को सुबह 6 बजे शुरू होगा और वेडनेसडे को सुबह 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। 48 घंटे का भारत बंद है। मंडे और ट्यूसडे बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज बंद होंगी। अब आप बोलोगे सर एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है, तो बैंक बंद होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज बंद हो सकती हैं। एक प्रकार का यहाँ पे नेशन वाइड स्ट्राइक कराने की कोशिश की गई है। और सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि ये स्ट्राइक बहुत अहम समय पे हो रही है। आपको पता है ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है और फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग एक बहुत एसेंशियल टाइम होता है हर सेक्टर के लिए, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, अकाउंटेंट सेक्टर हो, बैंक का सेक्टर हो, इंश्योरेंस का सेक्टर हो, लॉजिस्टिक्स का सेक्टर हो, हर चीज के लिए टारगेट सिक्स करने होते हैं, टैक्स कलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो ऐसे समय पे स्ट्राइक हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इंडिया में जो बहुत सारी ट्रेड यूनियंस है, इन सब ने मिल के ये स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किए। कौन कौन से ट्रेड यूनियंस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं? तो भाई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर आप देख सकते हो आगे ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा, इसके बारे में हमने अक्सर को सुना होगा, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस वगैरह वगैरह। इन फैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर के, पावर सेक्टर के, बैंकिंग सेक्टर के, रेलवे सेक्टर के जो अलग अलग आप कह लीजिए यूनियंस हैं, वो भी इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सरकार पहले ही एक आपके लो डिफेंसिव मोड में आ गई है। पावर मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई लाइट कट ऑफ्स नहीं होने चाहिए। स्टेट बैंक ने एडवांस में अनाउंस कर दिया कि देखो ऑनलाइन सर्विसेज तो इफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन जो ब्रांचेस हैं वो बंद रह सकती हैं, क्योंकि देखिए सैटरडे संडे ऑफ है और मंडे ट्यूसडे स्ट्राइक हो गई है, तो लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेगा। और बैंक ऐसे समय पर बंद जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। देखिए स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज ही एक ऐसे समय पर किया गया है कि मैसेज बिल्कुल क्लियर जाए केंद्र की सरकार के पास। अब कौन सा मैसेज यहाँ पे ये एम्प्लॉयज केंद्र की सरकार के पास भेजने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की स्ट्राइक्स पहले नहीं हुई है, पहले भी हो चुकी हैं, मतलब पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की स्ट्राइक्स हो रही हैं। और जब भी इस प्रकार की स्ट्राइक्स होती है, कई बार यहाँ पे एम्प्लॉयज को धमकियां भी जाती सरकार की तरफ से। जैसे देखिए ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है, ये आर्टिकल है 8 जनवरी 2020 का। यहाँ पे केंद्र की सरकार ने साफ साफ बोला कि अगर आप स्ट्राइक पे जाओगे तो आपकी वेजेस काटी जा सकती हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट शुरू किया जा सकता है वगैरह वगैरह। मैं आपको बता दूं, जो बैंकिंग के एम्प्लॉयज होते हैं ना, बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज, अगर उनकी स्ट्राइक होती है ना तो उस दिन की उनकी तनख्वाह कट जाती है। ये बात तय है, बैंकिंग सेक्टर में आप किसी को भी जानते हो, अगर वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेगा उस दिन की सैलरी यहाँ पे जाएगी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे स्ट्राइक क्यों हो रही है? स्ट्राइक होने की बहुत सी वजह, जो प्रेजेंट सरकार है इसको बहुत हद तक प्रो कॉरपोरेट फ्रेंडली समझा जा रहा है और एंटी एम्प्लॉय समझा जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे देखिए मतलब एम्प्लॉयज की अकाउंटेबिलिटी को तय करना, बहुत प्रो कॉरपोरेट पॉलिसीज को लेके आना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो रिसेंटली जो लेबर लॉज हैं, लेबर कोड्स लाए गए, अब उन लेबर कोड्स के अंदर बहुत सारे आप कह लो जो सेफ गार्ड अवेलेबल थे पहले लेबर्स के लिए, उनको कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया गया है, इसलिए सरकार का अपोजिशन किया जा रहा है। रिसेंटली ही जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, जिसका रिक्रूटमेंट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होता था, ऐसे 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 डिफेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में बदल दिया गया। इनके एम्प्लॉयज ने भी अपोजिशन किया था बट किसी ने सुना नहीं। रेलवेज का बहुत हद तक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसमें सरकारी कंपनीज के एसेट्स, सरकार के एसेट्स को बहुत हद तक लीज पे दिया जा सकता है प्राइवेट प्लेयर्स को, उनको डेवलप करने के लिए। तो ऐसे केसेस में सरकार के अगेंस्ट इस बात को लेकर एजिटेशन हो रहा है कि भाई ये सरकार बहुत स्पीड में प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मैं अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय से बात करोगे, जैसे मैं बहुत सारे दोस्त एनटीपीसी में है, बीएचईएल में है, कोल इंडिया लिमिटेड में है, उनका ये बोलना है कि भाई पता नहीं कब कंपनी प्राइवेटाइज हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की, ठीक है ना, कॉरपोरेट कल्चर को लाने की, फिर लेबर लॉज को रिलैक्स करने की, इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड यूनियंस हैं ये गुस्से में हैं। और ओवरऑल यहाँ पे इन्होंने 2 दिन का शटडाउन किया है और इसमें बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ ओवरऑल इफेक्ट होने वाला है। इनकी ये भी डिमांड है कि मनरेगा के अंदर की जो वेजेस हैं इनको बढ़ाया जाए। इनकी ये भी डिमांड है कि सरकारी डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इनकी नौकरी को आप परमानेंट करो। बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज की ये डिमांड है कि भाई हमारे सारे सैटरडे संडे ऑफ करो। बैंकिंग सेक्टर में आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ही ऑफ होता है, तो वो चाहते हैं कि भाई फर्स्ट और थर्ड भी हमें ऑफ किया जाए। भाई हमें क्यों एट पार नहीं ट्रीट किया जा रहा है कॉरपोरेट सेक्टर के?
सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज चाहते हैं कि भाई एक अच्छा पे कमीशन दिया जाए, उनका जो डीएनएस अलाउंस है वो बहुत तेजी से बढ़ा जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए स्ट्राइक पे जाना काफी मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सके, और स्टेट में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। इस बार की जो स्ट्राइक अभी अनाउंस हुई ना भारत बंद, ये जो वेस्ट बंगाल की सरकार है इसने सीधे सीधे वार्निंग इशू की है अपने सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कि सब ड्यूटी पे आओ नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो भारत बंद है ये बहुत हद तक एम्प्लॉयज का एक कह लीजिए कि इनिशिएटिव है सरकार को ये बताने के लिए हम नाराज हैं, आप हमारे प्रो पॉलिसीज बनाइए, हमारे एंटी पॉलिसीज मत बनाइए। अब देखिए प्रेजेंट सरकार का सिंपल लॉजिक है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट सरकार एफिशिएंसी की तरफ जाना चाहती है और एफिशिएंसी की तरफ जाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है प्रेजेंट सरकार के लिए। सरकार एक बड़े बेसिस पे डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि जो नॉन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, जो नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स है, वहां पे किसी भी सरकारी कंपनी की जरूरत नहीं है, किसी भी सरकारी पीएसयू की जरूरत नहीं है, वहां पे सब प्राइवेट कंपनीज ही काम करेंगे। तो इसके चलते बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज खतरे में आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी कंपनी प्राइवेटाइज हो जाएगी, वो प्राइवेट सेक्टर में आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये लॉजिक है कि जो सरकार का प्राइवेटाइजेशन की मुहिम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कंपनी प्राइवेट हो जाएगी तो एफिशिएंट हो जाएगी। यहाँ पे चाइना का एग्जांपल दिया जाता है, चाइना की सरकारी कंपनी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है और ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कहीं ना कहीं चाइना की सरकार उनको बैक करती है। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट होने से एफिशिएंसी तय नहीं होती है, एफिशिएंसी इस बात से तय होती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से कर रहे हो। बहरहाल जो भी हो, भारत बंद की इंपॉर्टेंस को आपके लिए समझना जरूरी। कल की डेट में जब आप ISIPS बन जाओगे ना, आपके लिए इस प्रकार की स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लो आप ISC हो या IPS हो या किसी सबॉर्डिनेट पद में भी काम कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट पे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक्स। वहीं पर कंपेरिजन में जो पब्लिक सेक्टर में लोग काम करते हैं, BHEL, NTPC, पंजाब नेशनल बैंक, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो नॉर्मल का स्ट्राइक में चले जाते हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह काट दी जाती है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पर स्ट्राइक पे जाना मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। बहुत हद तक आप कितना स्ट्राइक पे जा सकते हो कितना नहीं जा सकते हो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यूनियन को बिलोंग करते हो। इस पर्टिकुलर स्ट्राइक की टाइमिंग सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात है, चूंकि फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आई है। अब लेट्स सी कि इस स्ट्राइक के चलते नॉर्मल फंक्शनिंग पे कितना इम्पैक्ट आता है ये हम देखेंगे। आज ही ये स्ट्राइक शुरू हो रही है, सुबह 8 बजे स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट उसी के लगभग आपको ये वीडियो मिल रही है, 48 घंटे तक चलेगी। लेट्स सी नॉर्मल फंक्शनिंग कितनी इफेक्ट होती है। देखिए थोड़ा इफेक्ट तो आएगा ही, तो ये एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने आपको वीडियो बना दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाना। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है तो वो भी कमेंट्स में ले सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।